नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मेरा नाम है सुशील कुमार और इस वक्त मैं आया हूँ रामपुर की रजा लाइब्रेरी में। वो रजा लाइब्रेरी जिसे ये बताया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। मेरे पीछे जो आप ये इमारत सी देख रहे हैं, यही वो रजा लाइब्रेरी है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि 30,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं, पांडुलिपियाँ मौजूद हैं और नवाबों के दौर की जो जो निशानियां हैं, जो विरासत हैं, वो यहाँ पर जो है धरोहर जो है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। काफ़ी खूबसूरत जो है यहाँ का वातावरण है, काफ़ी नज़ारा है। लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं। दरअसल ये बताया जाता है कि 1774 में जो रामपुर रियासत के पहले नवाब थे, नवाब फैजुल्ला खान, जिन्होंने रामपुर की स्थापना की थी, उन्होंने ही जो है इस रजा लाइब्रेरी की भी स्थापना की थी। अपने दस्तावेजों को, अपने कागजातों को जो है वो संजोने के लिए, एक संग्रह करने के लिए। और समय समय पर जो है जो नवाब यहाँ पर इस रामपुर की रियासत को जो है वो संभालते गए और समय समय पर रामपुर रियासत के नवाब बदलते गए और उन्होंने इस रजा लाइब्रेरी को जो है वो उसका उल्लेख करते गए, उसका विस्तार करते गए। और आज जब नवाबों का दौर ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी जो है उनकी रजा लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम रजा लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे और अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे कि अंदर से रजा लाइब्रेरी कैसी लगती है, कितना भव्य, कितना सुंदर जो है इस रजा लाइब्रेरी के अंदर नज़ारा है।